अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। मेरा नाम हसनैन अली और मैं सियालकोट से हूँ। तो मैंने अपना सऊदी अरेबिया का वीज़ा प्रोसेस करवाया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा भी इस टाइम पहुँच चुका है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं वीज़ा प्रोसेसिंग के दौरान जितने मराहल से गुजरा हूँ, मैंने उन सबकी वीडियोज़ जैन इन्फॉर्मेशन ज़ाती तजर्बा की बुनियाद पर बनाकर अपलोड की हुई हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। जब भी कोई बंदा नया वीज़ा लेता है तो उसके जहन में बहुत से सवाल आते हैं कि मेरा वीज़ा असली या नकली तो नहीं है कहीं, तो इसके लिए मेडिकल कैसे होता है, ई नंबर कैसे निकलता है, फिंगर कैसे होते हैं, FRC कैसे बनता है, यानी कि सारी डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है। तो मैंने सबकी वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं, आपको इस चैनल पर मिलेंगी और ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। मेरा वीज़ा कराची कौंसुलेट से लगा था, तो कराची कौंसुलेट अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। वीज़ा स्टैंडिंग बहुत तेज़ी से जा रही है और अब नए पासपोर्ट भी कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप सब दोस्त परेशान नहीं हो जिनके वीज़ा स्टैंपिंग के लिए वहाँ गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह जल्द आपके वीज़े भी लग जाएंगे। वीज़ा का स्टेटस कैसे ऑनलाइन चेक किया जा सकता है, मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपना स्टेटस रोज़ खुद चेक किया करें। मैं इस चैनल पर वीज़ा प्रोसेसिंग और ओवरसीज़ की प्रॉब्लम मैं करूंगा। अगर आप एक ओवरसीज़ हैं या फिर बरौने मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने अपना वीज़ा खुद प्रोसेस करवाया और मुझे इसके मतलब मुकम्मल मालूम है। और दूसरी रीज़न ये है कि मेरी वीडियोज़ मुख्तसर होती हैं और टू द पॉइंट, मैं फेक व्यूज़ लेने के लिए कोई भी गलत बात नहीं करता, जस्ट टू द पॉइंट बात करता। मेरी साहब का वीडियोस ही मेरा सबूत है। एक मरतबा चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मेरा चैनल बहुत पसंद आएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं हर एक के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं।